नमस्कार दोस्तों दोस्तों जब आप स्टॉक मार्केट में पहली बार उतरते हैं तो आपको दिखता है कि यार स्टॉक मार्केट तो पूरा समुद्र है, क्योंकि आपको ना ए समझ में आता है, ना बी समझ में आता है, ना सी समझ में आता है, ना डी, ना ही जेड, कुछ भी समझ में नहीं आता है स्टॉक मार्केट का। तो उसी में एक नाम आता है स्टॉक मार्केट में, स्विंग ट्रेडिंग। अब ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों काफ़ी गहराई में जाके पूरी बात करने वाला हूँ मैं, सारी चीज़ें बिल्कुल पूरा अपना तैयार करके लाया हूँ, बस अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। जब तक देखिए अपना फाउंडेशन नहीं तैयार रहेगा, तब तक आप उसके ऊपर बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग ठीक बनेगी नहीं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की, लेकिन उसके पहले अगर किसी को नहीं पता हो फिर भी एक बार थोड़ा सा रीकैप हम लोग कर लेते हैं, अगर पता हो तो फिर भी देखिएगा ध्यान से। इसके पहले होती है इंट्रा ट्रेडिंग, इंट्रा डे ट्रेडिंग। मतलब इंट्रा डे ट्रेडिंग मतलब आप आज ही खरीदो आज ही बेचो, जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे और मार्केट जब बंद होता है 3:30 बजे तक आपको उसको बेच देना है, कोई भी स्टॉक अगर खरीदे रहोगे उसको बोलते हैं इंट्रा ट्रेडिंग। इसके बाद होता है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब कोई स्टॉक अगर आप आज खरीद रहे हो, आज मान लो मार्केट 9:15 पे जब ओपन हुआ, आप कभी भी खरीदे उसके बाद, लेकिन आज जब मार्केट बंद होगा 3:30 पे, तो आपको आज नहीं बेचना है उसको, कल मार्केट जब बंद होगा 3:30 पे उसके पहले पहले आपको बेच देना है। अगर आप नहीं बेचोगे तो आपका फिर ब्रोकर उसको बेच देगा। तो ये होता है BTST। इसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग की बात हम इस वीडियो में करेंगे। एक और ट्रेडिंग आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब आप किसी स्टॉक को लेके रखते हो 6 महीने तक के लिए, है ना, आप आज खरीद लिए उसके बाद आप रखे हो उसको 6 महीने 7 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए, तो उसको आप लोग बोल सकते हो क्योंकि आपने मान के चलो कोई स्टॉक बाय किए हो और उसको आप थोड़ा देर के लिए होल्ड कर लिए हो, या फिर अगर बोलूँ उसमें आपने एक कोई पोजिशन बना ली, तो उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। इसके बाद आता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आप जैसे एक साल के ऊपर 2 साल 3 साल के लिए रखते हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। समझ गए बात को, 10 साल 20 साल 50 साल 40 साल 100 साल उसको बोल देंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट। अब है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, देखिए दोस्तों स्विंग, आपने ये चीज देखे होगे झूला, हम लोग काफी गहराई में बात करेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। झूला आप जैसे ये ऐसे ग्राउंड में आप देखे होगे, इसके ऊपर एक झूला ऐसे लगा रहता है, 2 रस्सी बंधी रहती है, यहां से 2 रस्सी बंधी रहती है ऐसे, है ना, यहां से ये रस्सी ऐसे कनेक्ट रहती है। तो ये झूला एक बार ऐसे आगे जाता है, फिर ये झूला एक बार पीछे जाता है। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और इस झूले को मान लीजिए धक्का दे रहा है, तो एक बार ये आगे जाएगा झूला, एक बार यहीं से पीछे जाएगा झूला, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है स्विंग, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग स्विंग। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया है यहीं से आया है, झूले से, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, देखिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप कोई भी स्टॉक देख रहे हो, कोई भी स्टॉक ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे जा रहा है ये। अब मान के चलिए ये गया ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ये चला गया ऐसे ऐसे गया ये, है ना, नॉर्मल चलता चलता ये। तो अब आप देख रहे हो इस स्टॉक में ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं स्विंग होना। और क्योंकि ये स्विंग हो रहा है तो अब ट्रेडिंग हम लोग कर ही रहे हैं, तो इसी में जोड़ दिए हम लोग ट्रेडिंग। तो जो ये स्विंग्स होते हैं, जो ऊपर जाता है मार्केट, मतलब थोड़ी देर देखिए ये नीचे चला और झटके से जाके ये ऊपर आया, फिर नीचे आ गया, ये चला फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर चला ये ऊपर गया, ये नीचे, तो जो ये ऊपर जाता है मार्केट, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। समझ गए बात को। और अपने को स्विंग ट्रेडिंग में इसी मूवमेंट को कैच करना रहता है, अपने को समझना रहता है। इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि आप इसको कैसे पता करोगे, कैसे पकड़ोगे कि हमारा अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है और हम इस मूवमेंट को कैप्चर कर लें, ताकि जो भी हम अमाउंट अपना लगाएंगे हमारा अमाउंट बढ़ के हमको मिल जाए। चलिए दोस्तों, तो अब आप समझ गए कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब यही है कि आपको जो भी मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो उस मूवमेंट को कैच करना है, इसी मूवमेंट को कैच करने को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब बात कर लेते हैं कि आप प्रॉफिटेबल कैसे होंगे स्विंग ट्रेडिंग में। चलिए मैं आपको वो समझा देता हूं। देखिए जैसे ये ग्राफ है, ये चल रहा है, ये मार्केट गया ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये आ गया, ये नीचे आया, मतलब एकदम से तो नीचे नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 नीचे आता रहता है। अब मान के चलिए यहाँ पे कोई स्टॉक 10 रुपए का था, 10 रुपए से बढ़ते बढ़ते ये जो टॉप पे है,
यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस हो गया 100 रुपीज। ठीक है, अब आप इस स्टॉक पे नजर बनाए हुए कि आपको ये वाला स्टॉक लेना है। ठीक है, इसमें आपको करना है स्विंग ट्रेडिंग, आपको इसी मूवमेंट का फायदा उठाना है। अब मान के चलिए ये अचानक से देखिए यहां से चल रहा था, चलते चलते इसमें यहां से मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। मान के चलिए ये 20 हुआ, ये यहां पे अपन बोल सकते हैं कि 40 हुआ, 40 से 100 में, मतलब यहां से लेके यहां तक इस कोई भी पर्टिकुलर, ये मान के चलिए एक्स वाई कोई सा एक स्टॉक है, इस एक्स वाई स्टॉक में 40 से लेके 100 रुपीस तक मूवमेंट हुआ। अब इस मूवमेंट में मान के चलिए आपने कैप्चर किए, आप जब ये मार्केट यहां पे आया मतलब 50 पे, तब आपको समझ में आया कि यार ये तो बढ़ने लगा है, अब मेरे को समझ में आया कि ये बढ़ रहा है, चलो इसमें हम लोग कोई स्टॉक बाय करते हैं। आपने स्टॉक बाय किया, आपने इसको यहां पे बाय किए, यहां पे बाय किए, अब इसको होल्ड किए 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 किए, आप जब यहां पे आया मार्केट, आपको चलिए आपने सोचे कि चलो अब एक काम करते हैं, हमको प्रॉफिट मिल चुका है, मतलब लगभग ये आया 80 के आसपास। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे जाने लगा ये, तो आपको खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ मैंने सही समय पे बेच दिया। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके फिर से ऊपर गया, फिर ये नीचे ऊपर ऐसे 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 होता रहता है और ऐसे नीचे आ जाता है। तो मतलब आपने ये वाला मूवमेंट कैच किए, ये वाला 50 से लेके 80 का, मतलब आपने इसमें 30 पॉइंट कैप्चर कर लिए। तो इन स्विंग ट्रेडिंग अपने को यही जो ये मूवमेंट ऐसे होते हैं, इसी मूवमेंट को कैच करना है, इसी पॉइंट्स को कैच करना है। अगर आप समझ जाते हैं कि किसी भी स्टॉक में ये मूवमेंट कब होने वाला है, उसके बाद आप उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं, तो आपको होने वाला है प्रॉफिट। अब देखो यहां से जो लोग खरीद लिए होंगे, मान के चलिए जो लोग यहीं से खरीद लिए होंगे 40 से, तो 40 से लेके 100 तक अगर यहां तक बने होते मान लीजिए वो लोग, तो यहां से यहां तक ये लोग का पूरा 60 पॉइंट, आपसे लगभग डबल इनका प्रॉफिट होता। लेकिन आपको याद रखना है कि आप जब कभी भी कोई भी स्टॉक ऐसे लो, तो उसका देखो स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक चीज बता दूं, यहां पे आपको 10% और अगर बहुत गया तो 20%। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जब कभी भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मैक्सिमम आप 10% से 15% के बीच का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप बाहर निकल जाइए। वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है 2% 3% भी नॉर्मल है, ये इंट्राडे के लिए तो 1% भी बोलते हैं, ये 2% 3% दोनों इंट्राडे के लिए, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में एक एवरेज अगर बोला जाए तो 10% से 15% तक, ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं जाता है, 20% तक भी जाता है, लेकिन बी सेफर साइड 10% और 50% का अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उतना लीजिए और आप बाहर हो जाइए मार्केट से, फिर किसी नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे स्विंग को पता करोगे, मतलब जैसे अभी आपने देखे कि ये अपना ऐसे ऐसे कोई भी स्टॉक चल रहा है, अचानक से स्विंग बनाया, तो इस स्विंग को आप कैसे पता करोगे? तो देखो सिंपल है, इस स्विंग को पता करने के लिए आपको चार्टिंग पैटर्न्स पता होने चाहिए। आप चार्टिंग पैटर्न्स पहले लर्न करिए, जब आप उसको लर्न कर लोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको कि यार कितनी सारी बातें, देखो ये इतने सारे चार्टिंग पैटर्न्स ये बनते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, हेड एंड शोल्डर्स, है ना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। जैसे आप देखो असेंडिंग ट्रायंगल ये बना हुआ है, तो असेंडिंग ट्रायंगल की बात अगर मैं करूं आपसे, तो ये अपनी मान के चलिए सपोर्ट की लाइन है। ठीक, ये ऊपर रहता है हमारा रेजिस्टेंस, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो कभी भी ड्रॉ करना रहता है। मार्केट हमारा जा रहा है, यहाँ से ऐसे गया, ये गया, ये छुआ, ये नीचे आया, ये गया, ये नीचे आया, ये आया, ये देखो ये क्या है, ये स्विंग बना रहा है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये देखो कभी भी ये इसके नीचे नहीं आया, ये आपने ट्रायंगल बना दिए ये। ठीक है, कभी भी ये स्विंग जो है ये एकदम ट्रायंगल फॉर्म में बना है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस की तरफ। अब इसी का उल्टा हम लोग बनाते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये अपना हो गया जैसे रेजिस्टेंस का लाइन। ठीक, मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे आया, ये ऊपर स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया, फिर ये नीचे आया, ये स्विंग बनाया, नीचे आया, ये स्विंग, ये नीचे, ये स्विंग, ये नीचे, ये इतना। अब इसमें अगर आप ड्रॉ करोगे ट्रायंगल तो ये देखो ये बन रहा है ना ट्रायंगल इसमें ये। अब यहां से ब्रेकआउट होगा तो मार्केट यहां पे नीचे की तरफ जाएगा सपोर्ट की तरफ, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब इसमें अगर आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाना है तो ये देखिए ये हमारी एक लाइन है, ये लाइन हो गई हमारी सपोर्ट की। ठीक है, ये तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सब में। सपोर्ट की लाइन में अगर आप देखोगे तो ये दो ठो ऐसे और इसके बाद ये जाके ऊपर बनता है, ये नीचे, ये हमारा हो गया मान लीजिए रेजिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी व्यक्ति का यहाँ पे ये सिर हो गया एक प्रकार से और ये हमारे दो शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर्स का मतलब होता है जैसे हमारा ये कंधा और हमारा सिर,
तो ये इसी को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स। फिर इसी का उल्टा होगा, ये चीज उल्टा बनेगा, जैसे कि ये हेड एंड शोल्डर्स बना हुआ है, ये फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स। तो ये पैटर्न्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसको देख के आपको क्लियरली आसानी से समझ में आ जाता है कि किसी भी स्टॉक में कब मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि यही हेल्प करते हैं आपको चार्टिंग पैटर्न्स बताने में कि इस स्टॉक का अब टाइम आ गया है, अब ये ऊपर जाने वाला है। दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसको स्टार्ट करने के लिए, जैसे आप किसी बैंक में पैसा रखते हो ना, आपका बैंक अकाउंट है उसमें आप पैसे रखते हो, वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप जो भी पैसा कमाते हैं उसको बैंक में रखते हो, वैसे ही एक प्रकार से ये बैंक है अपना स्टॉक्स का। तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एंजल वन या अपस्टॉक्स। आप अगर शुरू किए हो अभी अभी अपनी जर्नी तो एंजल वन आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का भी लिंक दिया हूं, अपस्टॉक का भी लिंक दिया हूं, आप वहां से जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। टोटली फ्री है, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है और आपको हर चीज इसमें समझ में आ जाएगा एज अ बिगिनर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, स्विंग ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले वो स्विंग का पता लगाना है। जब मार्केट आपने देखे, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे चल के जब ये स्विंग जाता है ना, तो इस स्विंग को आपको पकड़ना रहता है, ये है पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए चार्टिंग पैटर्न्स पता होना चाहिए। अब तीसरी बात, आपको पता होना चाहिए कैंडल के बारे में। अब देखो कैंडल क्या होती है, ये डोजी, हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ये बहुत पॉपुलर कैंडल्स हैं, सारी की सारी पॉपुलर। जैसे अगर मैं बात करूं डोजी की, तो देखिए डोजी कुछ इस तरह बनता है, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है डोजी। इसमें सिर्फ एक ही बॉडी रहती है और ये हमारी विक रहती है। अगर हैमर की बात करूं तो ये बनता है हैमर ऐसे, ठीक, ये हैमर। अब ये दोनों ही कलर में होता है, रेड में भी होता है, ग्रीन में भी होता है। इसकी बात करूं तो ये भी रेड में भी होता है, ग्रीन में भी होता है। ये अपना हैमर हो गया, कि कोई लंबा हैमर बनता है, कोई एकदम ऐसे, ये हो गया हमारा शॉर्ट सा भी हैमर बनता है। मॉर्निंग स्टार की बात कर लूं तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार बन गया, है ना, ये हमारा मॉर्निंग स्टार बन गया। ऐसे अगर इवनिंग स्टार की बात करूं, ये हमारा बॉटम पे बनता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए कौन सा कहां बनता है। अगर इवनिंग स्टार की बात की जाए तो इवनिंग स्टार एकदम हमेशा टॉप पे बनता है, ये हो गया इवनिंग स्टार हमारा, ये हमारा हो गया इवनिंग स्टार, ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार, ये बॉटम पे बनता है, ये हमेशा टॉप पे बनता है, ये अपना डोजी हो गया, ये हैमर हो गया। इसके अलावा बुलिश हरामी या बेरिश हरामी, मदर कैंडल जो बनती है, मदर कैंडल इसको बोलते हैं बेरिश हरामी को। जैसे ये अपना हो गया, दे देखिए ये हमारी एक कैंडल हो गई, इसके बाद दूसरी कैंडल हमारी ग्रीन वाली हो गई, ग्रीन वाली इसी के बीच में बनती है, ये भी हमेशा बॉटम पे बनती है ना। विक मैंने किसी में नहीं बनाया हूँ, आप विक बना लीजिएगा सब में, ये होती है विक, है ना, बॉडी की विक होती है। ये हो गई हमारी मदर कैंडल, ये इसके और इसके बीच में बनती है, मतलब अगर आप इस तरफ से इसको देखेंगे, माँ होती है ना, जब माँ का ऐसा पेट बाहर निकलता है तो आप पीछे से देखोगे तो बच्चा, ये उसी टाइप का, ये देखिए शेप ये, ठीक है, ये इसको बोलते हैं मदर कैंडल। अब यहां से मार्केट हमारा ऊपर जाने वाला है, तो ये सारी कैंडल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, चार्टिंग पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था ना, तो इससे मेरे को ज़्यादा दिन नहीं लगे थे, केवल मैंने 90 डेज में ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी और सारी चीज़ें समझ गए थे। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा कि कोई सा ग्रीन बन रहा है, कोई सा रेड बन रहा है, ये टॉप पे बनना चाहिए इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार बॉटम पे बनना चाहिए, हैमर कहाँ बनना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए और ये 90 दिन के अंदर अंदर आपको पता हो जाएगी, आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर। बिल्कुल, आप अगर बिगनर भी होगे ना, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है और बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़ना है तो आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। अब देखिए, इसमें आप जो पैसा लगाते हो, तो पैसा लगाने के बाद कैसे पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इसमें देखिए रिपोर्ट्स जो आती हैं ना, क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी आती हैं इसमें, और किसी किसी में 6 मंथ में आती हैं, किसी किसी कंपनी का साल भर का रिपोर्ट एक ही बार में आता है, जैसे जनरली साल में 4 बार आ ही जाता है, 3 बार आ ही जाता है रिपोर्ट, तो इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस। हर कंपनी की रिपोर्ट लगभग क्वार्टरली आती है, 4 महीने में आती है, तो अगर उसका रिजल्ट, उसके रिजल्ट पे बहुत कुछ निर्भर करता है, ठीक है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया तो मार्केट की ग्रोथ अच्छी होने वाली है, अगर क्वार्टरली रिपोर्ट बेकार आ गई तो मार्केट डाउन जाने वाला है। न्यूज़ में, जैसे न्यूज़ आप सुनते हो किसी भी कंपनी के बारे में, अच्छी न्यूज़ आ गई तो तुरंत उसका मार्केट ऊपर जाता है, न्यूज़ खराब आ गई मार्केट तुरंत नीचे आ जाता है। तो ये तो न्यूज़ की बात अलग हो गई, ऐसे ही क्वार्टरली रिपोर्ट भी है। जब भी आप किसी कंपनी के क्वार्टरली रिपोर्ट को ध्यान देते रहिए, जैसे ही उसका रिपोर्ट आता है, अगर रिपोर्ट अच्छी आई है तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, उस समय आप उस कंपनी में अपने कुछ शेयर्स ले सकते हो। अगर रिपोर्ट खराब आई है तो आप
अगर उस शेयर में आप होल्डर हैं तो आप उससे बाहर निकल जाइए, क्योंकि कंपनी अब नीचे हो सकती है, मतलब डाउन हो सकती है। रिस्क की बात अगर की जाए स्विंग ट्रेडिंग में, तो देखिए किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो गई, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग है, चाहे आप अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं जैसे कि इसकी बात हो गई, देखिए चाहे BTST भी कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट, रिस्क सब में रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये गेम जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है ना, ये स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहां पे 70% अगर आप कंपनी में अपना हिस्सा लेना चाहते हो तो 70% आपके विनिंग के चांसेस है, 30% आपके लूज के चांसेस है। लेकिन ये कब होगा? जब आप अच्छे से रीडिंग करके आओगे, जब आप अच्छे से लर्निंग करके आओगे, ये तब होगा। 70% विनिंग का चांस, 30% लूज का चांस, नहीं तो स्टॉक मार्केट में तो लगभग 90% लोगों का लॉस ही होता है, और ये लिखित बात है। 90% लोगों का लॉस क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो रीडिंग करके नहीं आते हैं, लर्निंग नहीं करते हैं, तो उनको ज़्यादा लॉस होता है। तो देखो रिस्क तो है, स्विंग ट्रेडिंग में भी रिस्क है, मैं आपसे किसी भी तरह से झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, और यहाँ पे सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। जो मैंने आपको बताया, आप चार्टिंग पैटर्न्स पढ़ लोगे, आप कैंडल्स पढ़ लोगे, कोई भी मार्केट जैसे ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है, स्विंग आ गया है ना, आपको पता है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है, आपने इस ये बनने वाला है, आपने देखे कि यहाँ से मार्केट है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लिए हो, ये मार्केट इतनी ऊपर गया और उसके बाद ये नीचे, ऐसा नीचे गया कि आपको बिल्कुल इसको पकड़ने का ही मौका नहीं मिला, ऐसे 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 बिल्कुल नीचे चला आया। तो ये एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी का गेम है, आप ये चीज़ समझ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो मान के चलिए कि आपको फिर भी अंत में प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि इसमें एक रेशो चलता है ना, 1:3 का, मतलब आप उसमें अगर मान के चलो एक बार हारोगे तो 3 बार जीतोगे भी, लेकिन लर्निंग के बाद। अगर आप चाहते हैं कि हमको भी स्विंग ट्रेडिंग करना है तो हम कैसे करें, ऑब्वियसली बात है उसीलिए आप इस वीडियो पर आए हो। तो सिंपल सी बात है, आपको बता दूं, आपको लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, आप पहले लर्निंग करिए, उसके बाद ही आप स्विंग ट्रेडिंग में अपने कदम रखिए। उसके बाद आपको स्टार्ट विद द वेरी स्मॉल अमाउंट, मान लो आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब पे जाते हो, तो देखो पैसा सबकी ज़रूरत है, पैसा सबकी ज़रूरत है, और ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आँख बंद करके इसमें पैसा लगाने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को देख के कि यार वो तो बहुत कमा रहा है, मैं भी अपना पैसा लगा देता हूँ, नहीं, कभी भी सारी पूंजी इसमें नहीं लगाना है, कभी भी आपको बहुत कम अमाउंट से इसमें एंट्री लेना है, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग, चाहे किसी भी, और आपको वही पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है, जो पैसा अगर आपको लॉस भी हो जाए तो उसको लॉस होने में डर ना हो। मान के चलिए आपकी सैलरी 50,000 है या फिर 10,000 है, तो उसमें से आपको इतना अमाउंट इस स्विंग ट्रेडिंग में लगाना है कि जो लॉस ही हो जाए। आप तो ये मान के चलो कि इतना पैसा मैंने लगा दिया, इसका मेरे को लॉस ही हो गया, पैसा लगाना है और भूल जाना है। क्योंकि आप ये सोचो कि मैंने इतना पैसा मान के चलो 1,000 रुपये लगाया हूँ, और 1,000 रुपये लॉस से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या खड़ी हो रही है या फिर आपकी ज़िंदगी में उस 1,000 रुपये से कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उस 1,000 रुपये को मार्केट में ना लगाएं, उसी पैसे को मार्केट में लगाएं कि जिसका नुकसान हो, आप ये सोच लो कि मेरे को उसका नुकसान ही हो गया। क्योंकि अगर आप ये नहीं सोचोगे और नुकसान हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाने वाली है, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही और सत्य है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो मैं कोई भी किसी भी तरह से सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैंने भी जो वीडियो बनाया हूं एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी आपको सारी बताया हूं, तो ऐसे ही करके आप स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।